उत्तम नगर से बसपा पार्टी से प्रत्याशी दीपक राजपूत ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन नंदराम पार्क में किया, जहां जनता का उत्साह दीपक राजपूत के लिए देखने को मिला। साथ ही जनता ने दीपक राजपूत के भारी मतों से जीतने की बात भी कही। देखिए क्या कहा दीपक राजपूत ने मीडिया से बात करते हुए इस रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद है उत्तम नगर विधानसभा में, हमारे साथ मौजूद है बसपा पार्टी के उत्तम नगर से उम्मीदवार दीपक राजपूत, जो कि अपना नया कार्यालय ओपन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आज से इन्होंने अपने कार्यालय की शुरुआत कर दी है। क्या कहते हैं सभी उत्तम नगर के लिए वो इसे जानते हैं। दीपक जी, नए कार्यालय का उद्घाटन क्या कहना चाहेंगे? आज से कार्यालय खोल के और घर घर जाएंगे, बोर्ड मांगेंगे और चुनावी रणनीति आज से चालू होगी हमारी। कितने और कार्यालय खोलेंगे पूरी उत्तम नगर विधानसभा में? हर एक वार्ड में एक कार्यालय खोलेंगे, 5 खोलेंगे पूरे वार्डों में। किस तरीके से आप जनता से जनसंवाद कर रहे हैं आपको वोट देने के लिए? काम तो मैं सामाजिक शुरू से कर ही रहा हूँ जी, और इस बेस पे मेरा काम बोलेगा, मेरा नाम बोलेगा इलाके में। एक तरफ आम आदमी पार्टी से नरेश बालियान, दूसरी तरफ किशन गहलोत बीजेपी से और आरजेडी से भी बिश्नोई जी खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है चुनाव चुनौतीपूर्ण है? नहीं नहीं, बराबर टक्कर देंगे जी, पूरी कोशिश है मेरी, पूरी टक्कर बराबर दूंगा इनको चारों को। क्या वादे लेके उत्तम नगर की जनता के पास जावे आप? अगर हमारी सरकार आती है दिल्ली में तो काशीराम योजना चालू करेंगे, जिन्हें गरीबों को घर घर देंगे। जिस तरह केजरीवाल ने बिजली पानी ये तो ड्रामाबाजी करी है, 4 महीने के लिए दे रहे हैं, हम काशीराम योजना पूरी लागू करेंगे दिल्ली में। लगभग 10 से 15 दिनों का समय रह गया है चुनाव मतदान के लिए, तो और किस तरह तैयारी अभी आपकी है और किस तरह अभी इसमें मेहनत करने वाले भी? मेरी टीम पूरी लगी हुई है मेरे साथ है और मेरा समाज मेरे साथ है, पूरी तैयारी है, अच्छी तरह तैयारी है हमारी। हम पूरे पूरे दिल मन से धन से जो है दीपक राजपूत के साथ है और पूरा पूरा साथ दें, पूरा समर्थन देंगे इनको और घर घर जाकर इनके लिए जो है पूरे प्रचार करेंगे और अच्छे काम की हम उम्मीद रखते हैं। हम जिस तरह जनता का प्यार आपसे मिल रहा है, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सारे इस तरह प्यार बरसाते रहें और आगे भी करता ही रहूँगा काम। सारे सर क्या लगता है दीपक राजपूत जिस तरह मेहनत कर रहे हैं सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल हो पाएंगे साहब। किस तरह साथ मिलेगा जनता का? देखो जी, हमारे मोहल्ले के आदमी हैं और हम चाहेंगे हमारे मोहल्ले के आदमी कामयाब हो जी। और हमारे भाई बंदे हमारे साथ मिल के चलेंगे, हम इनके साथ मिल के चलेंगे, हम इनको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारा आम आदमी पार्टी और बीजेपी को टक्कर देंगे? बिल्कुल देंगे साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया दीपक जी का यहाँ पर काम पहले किया है और अच्छा काम करेंगे नेता बनने के बाद, यही उम्मीद करते हैं। दीपक भाई ने पहले भी बहुत काम करे हैं, आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र यहाँ पे बहुत बनवाए हैं, पेड़ पौधे लगवाए हैं, काम भी करवाते हैं सारा, नाली वाली साफ, तो हमारा समर्थन इनके साथ ही है।